अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ से हम अपना फेसबुक ओपन करते हैं। फेसबुक ओपन करने के बाद ये होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए राइट साइड में 3 डॉट है, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में सेटिंग एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन आता है, उस पर जाके क्लिक करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें हम लोगों को ये सेटिंग पे क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा, जैसे में अकाउंट्स में भी बहुत सारा ऑप्शन है, प्रेफरेंसेस, ऑडियंस विजिबिलिटी, परमिशंस, योर इन्फॉर्मेशन, कम्युनिटी स्टैंडर्ड एंड लीगल पॉलिसीज। हम लोगों को इसमें नहीं जाना है, हम लोगों को कहाँ पे जाना है, अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जाके पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है हम लोगों को। ओके, वहाँ पे जाने के बाद पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन में 4 ऑप्शन है जिसमें हम लोगों को जाना कहाँ पे है, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल में। वहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें भी 2 ऑप्शन आएगा, पहला मेमोरियलाइजेशन सेटिंग, दूसरा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन सेटिंग, जिसमें हम लोगों को डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन सेटिंग में जाना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, डीएक्टिव अकाउंट और डिलीट अकाउंट। डीएक्टिव अकाउंट हो गया कि टेम्प्ररी आप डिलीट कर सकते हैं इसको कुछ समय के लिए। ओके, और दूसरा है डिलीट अकाउंट, इसको आप परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग परमानेंट डिलीट में जाएंगे, जिससे में डिलीट अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे जाके कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन में जाना है, वहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे आप पूछ रहा है बिफोर यू डिलीट यू मे बी एबल टू हेल्प, मतलब आप क्यों इसको छोड़ना चाह रहे हैं, डिलीट क्यों करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, आई हैव प्राइवेसी कंसर्न, बहुत सारा ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगे आप चुन सकते हो। जैसे मैंने चूज़ किया टू मच टाइम ऑन फेसबुक। ओके, यहाँ से अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपना डिलीट करने से पहले आप अपना मैसेंजर पोस्ट जो भी किए हुए हैं, आप अगर पोस्ट जो भी किए हुए हैं या आपका कुछ फ़ोटोज़ है तो उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। आप पोस्ट अलग जगह पे सेव करके रख सकते हैं। आपका अगर कोई पेज है तो पेज को भी, पेज में कुछ पोस्ट किए होंगे उसको भी आप अलग करके रख सकते हैं, क्योंकि ये सारा अगर परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं तो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ओके, जैसे मैं देखिए डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, यू हैव 36 फोटोज़, 20 पोस्ट एंड मोर अपलोडेड टू फेसबुक, ये सारा डिलीट हो जाएगा मेरा अगर डाउनलोड करके हम नहीं रखे तो। मेरा जो ये पेज, योर पेज विल बी डिलीटेड, मेरा पेज भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग डिलीट करके जाएंगे। डिलीट करने से पहले आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, डिलीट अकाउंट। ओके, हम लोगों का अकाउंट अब डिलीट हो गया है। यहाँ से देखिए अब लॉगिन भी करेंगे तो नहीं होगा हम लोगों का ये अकाउंट लॉगिन। योर अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर परमानेंट डिलीशन। देखिए यहाँ पे नोटिफाई भी कर दिया है, सेशन एक्सपायर्ड। अब हम लोगों को यहाँ पे अब इसको परमानेंटली रिमूव करना है अपना फेसबुक अकाउंट से। तो ये 3 डॉट में जाएंगे। 3 डॉट में जाने के बाद अगर पासवर्ड रिमूव करना चाहते हैं तो पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, या अपने परमानेंट डिवाइस से रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव योर अकाउंट फ्रॉम योर डिवाइस।